Welcome to your English session, and I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new lesson of your English series, that is Literary Journeys and English Reader for Class 7 by Brainroot Publications. Children, we all love to play games. Hum sabhi ko khelna acha lagta hai, right? And some of us love a particular sport. Kisi ko badminton pasand hai, kisi ko क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है. आज हम स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में ही एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ेंगे. चूज़ योर स्पोर्ट्स. सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट लेसन नंबर 14, विच इज़ अ ब्यूटिफुल पोएट्री. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द वार्मिंग अप एक्सरसाइज. इन टूडेज वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑफन स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम ऑन फोन्स. Instead of being glued to screens, they can engage in exciting games like basketball, volleyball and soccer. These sports are not only entertaining but also help to improve their physical fitness, promoting a healthy lifestyle. आजकल क्या होता है, आमतौर पर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों के घर में सेल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स एंड वॉट नॉट है ना. बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है. बच्चे जो हैं घर से निकलने की जगह मोबाइल पे ही ज़्यादातर गेम्स खेलना पसंद करते हैं. पर पहले ऐसा नहीं था. पहले लोग इकट्ठा होकर स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलोनी के फ्रेंड्स सब लोग मिलके गेम्स खेलते थे, और इससे फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती थी, और हमें फिज़िकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए आज हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, एंड हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से डिफरेंट गेम्स खेल के हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं. राइट, सिक्स क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड वेब. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लिखना है, और फिर उनकी छह क्वालिटीज यहाँ पे लिखनी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखूँ सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पे लिखूँगी ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर. ठीक है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, टैलेंटेड बैट्समैन. इस तरीके से उनकी छह क्वालिटीज़ लिखनी है. डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, ऑल राइट, ग्राउंडेड टू अर्थ, हम्बल इन नेचर. इस तरीके के आपको ढूंढ ढूंढ के अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन की छह क्वालिटीज़ लिखनी है. ऑल राइट, एंड देन वंस यू आर डन यू नीड टू शेयर द लिस्ट विद योर क्लासमेट्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट हाउ द स्पीकर एनकरेज अस टू प्ले द स्पोर्ट्स. तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो हमें गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने की ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ताकि हम गेम्स और स्पोर्ट्स को सीरियसली लें और ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेलें. लेट्स टर्न ऑफ अवर स्क्रीन्स एंड रन आउटसाइड. फ्रॉम सो मैनी स्पोर्ट्स वी मे चूज एंड डिसाइड. सो द पोएट सेज कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम अपनी स्क्रीन्स को टर्न ऑफ करें, यानी अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने टीवीज, अपने गैजेट्स को ऑफ करके बाहर दौड़ के चलते हैं, और इतने सारे गेम्स और स्पोर्ट्स हैं उनमें से डिसाइड करते हैं कि आज क्या खेला जाए. बेसबॉल, सॉसर एंड बास्केटबॉल आर फन, लेट्स ग्रैब सम फ्रेंड्स एंड प्ले इन द सन. तो उनका कहना है कि बेसबॉल, बास्केटबॉल, सॉसर ये सही भी गेम्स बहुत ही ज़्यादा जोशीले और फुर्तीले हैं, और इनके खेल के बड़ा मज़ा आता है, क्यों ना हम अपने कुछ दोस्तों को बुला लें और अच्छी सी सनी धूप में हम इन गेम्स को खेलें. इन बेसबॉल यू विल बी रनिंग अराउंड, व्हेन यू हिट द बॉल इट्स अ ब्यूटिफुल साउंड. सो बेसबॉल में आप भागते भागते बॉल को हिट करेंगे, और जितनी बार आप बॉल को हिट करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी आवाज़ आएगी. इन सॉसर यू पास द बॉल यूजिंग योर फीट, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड वॉच आउट फॉर द हीट. और सॉसर में क्या करना है, सॉसर में बॉल को पैरों से धकेलना होता है, एक दूसरे पे पास ऑन करना होता है, और साथ में भागते रहना होता है, तो आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम होगी, इसीलिए आपको गर्मी महसूस हो सकती है. तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, थोड़ा ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर व्हेन यू प्ले दीज गेम्स. इन बास्केटबॉल द बेस्ट साउंड इन अ स्विश, making 10 in a row is a wonderful wish. So as you can see the children playing the basketball, so while when you are playing basketball
इट इमीजिएटली गिव्स अ स्विश साउंड, जैसे ही बास्केटबॉल बास्केट के अंदर जाता है तो एक आवाज़ आती है और हम क्या सोचते हैं कि एक के बाद बास्केट करते ही चले जाए, कम से कम 10-15 baskets तो हम कर ही दें. Whatever sports you decide to play, enjoy them with friends each and every day. And poet कहते हैं कि कोई भी गेम आप choose करें, it's your choice, लेकिन हर रोज़ उसको खेलिए अपने दोस्तों के साथ और enjoy कीजिए, because this is the only way of healthy lifestyle. घर में बैठ के मोबाइल देखना या टीवी स्क्रीन्स देखना उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खेलना, इंटरेक्शन करना, ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें. ऑलराइट, सो विद दिस अ ब्यूटिफुल पोएम वी हैव स्टडीड विच गिव्स अस अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. खेल कूद हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, और मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ कम से कम कुछ देर के लिए ही सही रोज़ खेलने ज़रूर जाएंगे. नाउ लेट्स रीड द वर्ड मीनिंग्स. बास्केटबॉल अ गेम बिटवीन टू टीम्स जिसमें 9 प्लेयर्स होते हैं और एक डायमंड शेप सर्किट टाइप के उसमें खेला जाता है. सॉसर इज बेसिकली फुटबॉल. स्विश मीन्स जब बॉल इसके अंदर से जाती है, अ शॉट दैट गोज टू द बास्केट विदाउट टचिंग द बोर्ड रिम. ये जो नेट है इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, ये जो कॉर्नर का जो रिम है इसको टच किए बिना जब बॉल स्मूथली बास्केट हो जाती है. ऑलराइट, सो वी आर डन. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस. देखते हैं कि हमें पोएम कितनी अच्छी तरीके से समझ में आएगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MCQs. फर्स्ट वन, व्हाट स्पोर्ट्स आर मेंशन इन द पोएम? बेसबॉल, सॉसर, हॉकी. बेसबॉल, सॉसर, बास्केटबॉल. बास्केटबॉल, सॉसर एंड टेनिस. बेसबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. बेसबॉल, सॉसर एंड बास्केटबॉल के बारे में दिया हुआ है. सेकेंड, इन बेसबॉल व्हाट साउंड इज डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटिफुल? द साउंड ऑफ क्राउड चेयरिंग, द साउंड ऑफ बॉल हिटिंग द बैट, द साउंड ऑफ रनिंग इन द फील्ड, द साउंड ऑफ बॉल हिटिंग द ग्लव. सो सेकेंड वन इज करेक्ट. द साउंड ऑफ बॉल हिटिंग द बैट. बैट से जब हम बॉल को हिट करेंगे बेसबॉल में तो एक बहुत सुंदर सा साउंड आता है. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 3 सेज, हाउ डू प्लेयर्स पास बॉल एंड सॉसर? यूजिंग देयर हैंड्स, यूजिंग देयर हेड्स, यूजिंग देयर फीट्स, यूजिंग देयर एल्बोज. सो यूजिंग देयर फीट. सॉसर इज अ काइंड ऑफ फुटबॉल ओनली. क्लियर? नाउ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, हमें ये लाइन्स पढ़नी है एंड पढ़ने के बाद लाइन्स को समझ के हमें ये आंसर्स करने हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स टर्न ऑफ अवर वीडियो गेम्स एंड रन आउटसाइड. फॉर सो मेनी स्पोर्ट वी मे चूज एंड डिसाइड. वेयर डज द स्पीकर वॉन्ट द रीडर्स टू गो? द स्पीकर वॉन्ट्स द रीडर्स टू गो आउटसाइड एंड प्ले. B. Why does the speaker want the readers to turn off their video games? The speaker wants the readers to turn off the video games so that they can lead a healthy lifestyle and they can learn to play outside with their friends. Alright? What should the readers decide? The readers should decide which game they want to play with their friends. Okay? Now the second one, in baseball you will be running around when you hit the ball, it's a beautiful sound. What do baseball players do on the field? The baseball players run around in the field. Why does the speaker describe the sound when the bat hits the ball as beautiful? When the bat hits the ball beautiful, that means you are striking the ball and passing it further, and that is why you say that the sound is beautiful. Alright? C. Use running around in sentence of your own. Running around ko hame ek apna sentence banana hai. To aap koi bhi sentence bana sakte hai. I was running around the pet in the garden. I was running around with my friends in the playground. Hai na? To aap apne pasand ka koi bhi sentence bana sakte hai. So with this, we are done with this poetry also. A beautiful poetry which gives a message that playing games is very much important in our daily routine.
हमें अपने डेली लाइफ में गेम्स और स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ठीक है. इट इज़ अ वे ऑफ लीडिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल. सो विद दिस वी एंड टुडेज सेशन. आई विल मीट यू सून अगेन विद अ न्यू चैप्टर वेयर वी विल लर्न समथिंग न्यू, अ न्यू पोएट्री, अ न्यू चैप्टर. ऑल राइट, सो स्टे ट्यून फॉर द न्यू वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.